फूट जाएगी ये। आराम से तोड़ना नहीं, आराम से काटो, सब काटो, इसके सब केबल, सारी केबल निकालो। ये हीटर है, ये इसमें हीटर लगे हुए हैं, और एक ये नीचे वाला हीटर है, ये कम से बर्बाद हो जाएगा। ये 3 किलोवाट के तो यही है, 3 × 6 और 2 × 2 सिंगल, और एसी वगैरह सब है, एसी अलग अलग है, सारे एसी सारे डबल डबल चला गए। इन्हें भी रख लो, ये लग जाएगा, ये एक गाड़ी में जाएगा, लेकिन जाएगा 4 नंबर। घुसवाओ तो घुसवाओ, पहले कट कर सब। आखिर पकड़ा मैं आपसे। सुबह से ही चेकिंग अभियान चल रहा है, कौन कौन से मोहल्ले में चेकिंग हुई है और कितने का जुर्माना हुआ, कितने लोग चोरी में पकड़े गए और क्या क्या मामला। आज प्रबंध निदेशक श्री अरविंद मलप्पा बंगारी, जो हमारे MD साहब हैं, उनके आदेश पर पूरे पश्चिमांचल में आज चेकिंग अभियान चलाया गया था। उसी के अंतर्गत खुर्जा डिवीजन में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। सुबह 5 बजे से हमने चेकिंग अभियान शुरू किया था, जिसमें 135 में 52 FIR हम करा रहे हैं, जो सीधे चोरी करते पाए गए थे। एक उपभोक्ता जो है LMB2 का था, जो 3 किलोवाट की चोरी कर रहा था, उसके खिलाफ भी एक FIR दर्ज कराई जा रही है। और इसमें 138 में वो कंज्यूमर हैं जिनके हमने कनेक्शन बकाए पे काटे हुए थे, आज हमने पुनः जांच कराया, कहीं चल तो नहीं रहे, और जांच के दौरान पाया गया कि 43 कंज्यूमर चलते पाए गए, उनके खिलाफ 138 में हम FIR करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बिल्लू चौधरी नामक एक व्यक्ति है, गद्दी मोहल्ले का है, जो पिछले सेप्टेम्बर से चौथी बार उसके यहाँ चोरी पाई गई है, और बड़ी मात्रा में चोरी आज पाई गई है, क्योंकि हमें पहले भी सूचना थी कि चोरी करता है। पहले 3 FIR हम इसके खिलाफ करा चुके हैं। पहले कितने का सर जुर्माना था? पहले टोटल 3 FIR में 16 लाख का असेसमेंट बना हुआ है इस पर। आज भी पकड़ी गई, आज जो चोरी पकड़ी है, आज 23 किलोवाट चोरी पकड़ी गई है, जिसमें करीबन 26 लाख का जुर्माना इन पर बनेगा, असेसमेंट बनेगा। तो बहुत बड़ी मोटी चोरी है, और ये चोरी से डर नहीं रहे थे। पीछे भी हमने पुलिस को तहरीर दी थी कि इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस के हाथ से निकल गया था। आज हमने मौके पर ही इसको दबोचा, हमने घेराबंदी चारों तरफ से करी हमारे लोगों ने, उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाई, पुलिस कम पड़ी, फिर बाकी थाने से और फोर्स मंगा के इसको गिरफ्तार करा के हमने कोतवाली थाने में सपोर्ट कर दिया। उसके बाद इसको एंटी पावर थेफ्ट थाना बुलंदशहर में इसको भेज दिया गया है, शायद उसको अब कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मोटी चोरी पकड़ी गई है, और जो कि ये निर्भीक होकर चोरी करता था, और इससे जो गद्दी मोहल्ला है वो भी चोरी करता था। आज भी हमने वहाँ इसके अतिरिक्त पाँच और चोरी पकड़ी गई है। ये लगातार चोरी कर रहे थे, और 3-3, 4-4 बार FIR होने के बावजूद भी डर नहीं रहे थे। तो आज बहुत बड़ी कार्रवाई है, हम पुलिस का धन्यवाद देते हैं, CO साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मौके पर पुलिस बल भेजा, जिससे कि ये गिरफ्तारी हो पाई है। तो जैसे सर वो LMB2 में पकड़ा गया, उसका कितना जुर्माना हुआ? LMB2 में एक जो है केबल ऑपरेटर पकड़ा गया है, जो LMB1 का कनेक्शन ले रखा था, और वो मीटर से पहले कट लगा कर डायरेक्ट चोरी कर रहा था। 3 किलोवाट चोरी पकड़ी गई है, जिसमें करीबन 3,95,000 का असेसमेंट बनेगा, साथ साथ 30,000 रुपये 10,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कंपाउंडिंग की जाएगी, ये जुर्माना बना है।